फ्रेंड्स सब हम लोगों ने अपने जेठानी के घर खाना पीना खाकर और वहाँ से ही ऑटो किया। 1 घंटे की दूरी में था उनका घर, क्योंकि ये उनके समधियाने ही शादी हो रही थी, इसलिए चलते हैं वहीं। और इतनी हवा चल रही थी फ्रेंड्स, इतनी हवा चल रही थी कि भाई देखी मेरे जेठानी जी को, देखी दीदी को। और फ्रेंड्स हम लोग को ना आज पूरा ये इनका जो प्रोग्राम है, जैसे बारात जाएगी और बारात की विदा करके हम लोग को फिर वापस भी आना है शाम को, इसलिए हम लोग जल्दी जा रहे हैं। और फिर जैसे जल्दी जाएंगे तो ज़्यादा टाइम वहाँ रुकने को मिल जाएगा, तो चलिए चलते हैं वहाँ उनके घर। माने हमारी दीदी के बहू के भाई की शादी हो रही है, तो ये देखिए फ्रेंड्स हम उनके हल्दी लग रहा है। और यहाँ के रीति रिवाज के साथ अनुसार, मतलब इनके यहाँ जो रीति रिवाज है तो उन्हीं के अनुसार ये सगली पूरी माताएं हैं उनकी जो बैठी हैं, मम्मी है, चाची हैं, बुआ हैं, सभी बैठी हैं। तो ये हमारे जेठानी जी हैं, ये वहाँ जो एक रिवाज है ना कि जिनके बच्चे की शादी होती है तो उनको फिर कपड़े लत्ते, कपड़े भी और जो चूड़ी श्रृंगार का सामान सब दिया जाता है, जो हमारी जेठानी भी दे रही थी और फिर मैंने भी दिया था। Thank you.
हमारे फ्रेंड्स और हम लोगों ने बारात के साथ ही हम लोग निकल आए थे, बारात की विदाई करके उन्हीं की गाड़ी में और अपने घर पहुंच गए हैं। अब हम दूसरे जगह मतलब जबलपुर के आगे नरसिंहपुर में शादी की तैयारी, वहां भी शादी है तो वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब वहां मिलते हैं। ओके बाय। और कैसा लगा आज का ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।